जुमे के दिन दो टाइम नमाज हो रही है मस्जिद में। एक मिनट जरा उनको बोलने दीजिए, दो मिनट आप बोलो, 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 आप बोलो। पहले सीढ़ियां गई की तोड़े, बोलिए जो जो तोड़े उनकी दीजिए। जो आप केस बुक करिए लोगों के ऊपर बिल्कुल गलत करिए, और जो पहले सीढ़ियां डाले उनके ऊपर भी केस बुक करो। पूरा महल्ले को पूरा महल्ला है, पूरा मस्जिद की तरह से मस्जिद बनाओ भाई, मस्जिद है ना, मस्जिद के तरीके से मस्जिद बनाओ भाई, मस्जिद के तरीके से मस्जिद बनाओ, मस्जिद के तरीके से मस्जिद बनाओ, मस्जिद के तरीके से मस्जिद बनाओ। पहले आप क्या कर रहा हूँ, ये सीढ़ियां पर्पस क्या है करते हैं मेरा घर, मैं मैप से बराबर हूँ, एक इंच भी फर्क नहीं मेरे मैप पे, ये बराबर है। दामी निजामिया का फतवा उनको बताए तो बोल रहे मैं निजामिया के फतवे को नहीं मानता। पहले जो है ना उन्होंने खुद ही आप नहीं है, उन्होंने खुद ही पाकिट थे पहले, पहले हिस्ट्री उठाए तो उन्होंने जो है ना मस्जिद का जो रास्ता था बड़े सीढ़ियां थे वो जमाने में क्या है बोले तो उन्होंने क्या करे पहले इधर मिर्चियों की दुकान को किराए पे दे दिए, उसके बाद वो आधे रास्ते को भी मलकी के जैसा बना के किराए पे दे दिए, लोगों से जो है चंदा जो है ना अच्छे तरीके से वसूल करके मस्जिद पे ऊपर से ऊपर बनाते जा रहे हैं और टोटल लॉडजिंग के हिसाब में चला रहे हैं जो कि शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। 90% मस्जिद रह चुकी, 90% लॉडजिंग हो चुकी और एक मस्जिद में नियर अबाउट 20 जो है ना आपके साउंड बॉक्स है, उसको क्या बोलते हैं स्पीकर लाउड स्पीकर, नियर अबाउट 15-20 लाउड स्पीकर। आप वो कंस्ट्रक्शन को आप देख लीजिए टोटल ऊपर से नीचे। एक मस्जिद है जिसका नाम भी लिखा हुआ नहीं है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा किराएदारों को भर लिया गया है और मस्जिद में औरतों को लाकर रखा जा रहा है, हस्बैंड वाइफ को रख रहे हैं मस्जिद के ऊपर, किराएदार में भी हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर रह रही और उसके साथ साथ मस्जिद में किराएदार और बकरियों को पाला जा रहा है और ब्लैक मैजिक के काम भी बस किए जा रहे हैं। और उसमें सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि मस्जिद में वजू खाना और किसी भी चीज की ऐसी सहूलत नहीं है जिसको आप इसको मस्जिद कह सकें। और अगर आप लोग अपने कैमरों को पीछे की तरफ जूम करें, अगर आप लोग अपने कैमरे को पीछे की तरफ जूम करें तो नीचे की एक मस्जिद कहते हैं ऊपर की एक मस्जिद, और जब जहां वहां दूसरी मस्जिद का मिंबर बनाया गया, जहां दूसरी मस्जिद का मिंबर बनाया गया बिल्कुल उसके अपोजिट में ड्रेनेज का पाइप लगा दिया गया है। तो शुरू से हम लोग महल्ले के लोग रोकने की कोशिश करें लेकिन गुंडागर्दी पे या किसी ना किसी को सामने लेके आके बात कर रहे हैं। दो मस्जिद है, एक मस्जिद पहले तीन थे, तीन वक्त की नमाज हो रही थी, मैं हमारे मरहूम भाई मुकरम भाई थे यहाँ पे, हम लोग मिंबर के पास जाके बाजाबता अहादीस और कुरान की रोशनी में उनको रोके तो उनके साथ के जो लोग थे वो ये कहने लगे अगर आप हमारा गल्ला काटते तो काट दीजिए लेकिन हम नमाज यहीं पे पढ़ेंगे, इस अंदाज की वो हजरात गुफ्तगू करे। और एक मरतबा मैं खुद यहाँ पे रोक दिया था, मस्जिद को बाहर से बंद कर दिया था और मैं बोलने के लिए गया तो अंदर से लेडीज लकड़ियां लेके आए थे मेरे को मारने के लिए जी। तो ये हकीकत है भाई, सारा अच्छे तक कहीं से भी अगर मस्जिद अगर नजर आ रही तो आप बोलिए, यहाँ पर मस्जिद के काम को कोई नहीं रोक सकते, रोकेंगे भी कहीं को, सब पूरा मुस्लिम एरिया है लेकिन जो है ना मस्जिद के हिसाब से ही नहीं दिख रही है, आप देख लो किधर से भी। और उसमें एक चीज ऐड मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जब इमाम साहब को रोका गया तो इमाम साहब का बयान ये है कि नीचे की मस्जिद दरगाह के तहत कहते ऊपर की मस्जिद उनके नाम पे है कहते, तो अभी एक और एक मस्जिद का मंसूबा था, आप हजरात ताज्जुब करेंगे कि मस्जिद वहां पे है और लोग नमाज यहां पढ़ते हैं ईद की नमाज, और अक्सर ऐसा ही होता है ना, शरीयत के खिलाफ बिल्कुल जा रहे हैं और इसी अंदाज से वो अपना कारोबार या धंधा चला रहे हैं जिसकी हमने मजम्मत खुले महल्ले वालों अकबर भाई होते हैं, महल्ले वालों का कहना ये है कि आज तक यहाँ पर जनाजे की नमाज नहीं हुई, कहाँ तक ये बात सच है? नहीं खाली उनके वाली की जनाजे की नमाज हुई जिसकी खबर बनी हो गई है और किसी महल्ले वाले कोई जाते ही नहीं, गली कर डाले बोलो, गली कर दिए पूरी, इतने अंदर जाने को जगह नहीं है, एक आदमी दरवाजा गेट खुलाओ, गेट खुला के देखो अगर कोई ये चाहता है कि देखें असल में लॉजिंग है तो वो गेट खुला के पूरा मस्जिद का मुहासिबा कर सकते हैं। जजाकल्लाह खैर। ये अंदर का एड्रेस है, यहाँ पर जो है ना भाई, इधर ऐड डालो भाई फोन को, ये
एंट्रेंस है ये रात में 24 घंटे कहीं से भी कोई भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। ये मस्जिद का अहाता है, इसमें जो है ना कपल्स को रखे हैं वो लोग, इसका अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, बेशर्मी की हद पार कर दे। सुनिए, ये मदरसे के नाम पे और मस्जिद के नाम पे ये कपल्स को रखे ये लोग। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती, एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवेसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190।